आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ सो गाइस द क्वेश्चन हियर इज वी हैव अ पैराग्राफ ऑन डिटेल्ड पैराग्राफ ऑन सिकल सेल एनीमिया व्हिच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इन दिस द बॉडी प्रोड्यूसेस एंड

but in sickle cell anemia they take the shape of sickle or we can say a crescent so sickle cell anemia is caused by mutations it is caused by mutation in gene called hbb it is an inherited blood disorder that occurs if that occurs if both maternal and paternal copies of the HBB gene are defective. So, what does this mean? अगर paternal और maternal दोनों के genes में HBB gene जो है वो defective होता है, defective आता है, तो सिर्फ इस केस में जो उनका child होगा, जो next individual होगा, उसमें जो सेल एनीमिया है वो प्रेजेंट होगा सेल एनीमिया से वो डिफेक्टिव होगा इन बी एन इंडिविजुअल आइदर फ्रॉम मदर और फादर देन द इंडिविजुअल हैज नो सिकल सेल एनीमिया अगर दोनों में से सिर्फ किसी एक पेरेंट से इंडिविजुअल को uh, एच बीबी डिफेक्टिव जीन्स मिल रहे हैं तो वो सिकल सेल अनी से इन्फेक्टेड नहीं होगा वो इनफेक्टेड नहीं होगा अगर सिर्फ एक पेरेंट जो है, वो सिकल सेल का patient है तो जो इंडिविजुअल होगा उसे सिकल सेल अनिमिया नहीं होगा बट ही कैन बीरियर ही कैन बी अरियर और वी कैन सेल ट्रेट

पास ऑन कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सो so, फर्स्ट है बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेड द फर्स्ट सेज द बोथ द पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेड यानी वो सिर्फ कैरियर्स हैं दे आर द कैरियर्स एंड नॉट डिफेक्टिव सो द चाइल्ड विल हैव लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सिकल सेल एनीमिया पर्सन और सिकल सेल

वो पेशेंट है तो इस केस में भी जो हमारा चाइल्ड uh, होगा वो सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड होगा डिफेक्टेड होगा और थर्ड रियो है हमारे पास जिसमें कहा गया है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, डिफेक्टेड हैं। तो इन दिस केस ऑटोमेटिकली द चाइल्ड वुड बी सिकल सेल अनिमिया डिफेक्टेड पर्सन सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज ल अनीमिया एंड अदर है एंड डैश विल हैव सिकल सेल ट्रीट अब क्वेश्चन ये है क्वेश्चन में ये बताना है हमें कि अगर एक पेरेंट जो है वो सिकलसेल अनीमिया उसे सिकलसेल अनीमिया है लेकिन जो दूसरा पेरेंट है उसमें सिर्फ ट्रेट है यानी ये सेकंड सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है क्या आ, कितना परसेंट रिस्क है कि उनका चाइल्ड जो होगा वो सिकल सेल अनिमिया से इन्फेक्टेड होगा और कितने परसेंट रिस्क है कि उनके चाइल्ड में सिकल सेल ट्रेट होगा तो यहां पर बात हो रही है इस सेकेंड वाले की तो इसमें क्या होगा कि अगर एक कैरियर है और एक इन्फेक्टेड है इफ इफ वन पेरेंट इफ वन पेरेंट इज कैरियर एंड अदर इज डिफेक्टेड जो कैपिटल ए कैपिटल हैं ए यहाँ पर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल नॉर्मल हेमोग्लोबिन को और कैपिटल एस जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफेक्ट को यानी म्यूटेशन को और जो सेकंड पेरेंट है हमारे पास उसमें दोनों ही जो है वो कैपिटल एस है मींस ही इज अ डिफेक्टेड एंड द मदर हेयर इज जस्ट अ कैरियर वन पेरेंट इज कैरियर एंड अदर इज डिफेक्टेड एज पर द क्वेश्चन सो so, यहां पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या जीन्स आएंगे ए एंड एस दैट इज अ कैरियर एंड एस एस सो क्रॉसिंग देम टुगेदर वी विल हैव ए एस वी विल हैव ए एस दैट इज अ कैरियर देन अगेन वी विल हैव वन carrier next we will be having a defected child and again we will be having a defected child so the ones which are marked with the blue highlighter they are the carriers they are the carriers, and one marked with the green one are they defected, completely defected. So, we will be having 50% out of the four, as we can see that out of

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर